keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा पांचवी, विषय हिंदी, हिंदी व्याकरण, पाठ संज्ञा अभ्यास। आज कुछ उदाहरण द्वारा हम संज्ञा का अभ्यास करेंगे। हमारे पिछले संज्ञा के वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा, प्रकार और कुछ उदाहरण देखे। संज्ञा अभ्यास की शुरुआत से पहले एक बार और संज्ञा की परिभाषा व प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव तथा रिश्तों का कोई न कोई नाम होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु पक्षी, भाव और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु पक्षी, भाव और रिश्ते। संज्ञा, संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इसका विशेष नाम होता है। जातिवाचक संज्ञा यानी विशेष नाम नहीं। भाववाचक संज्ञा ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा एक से अधिक का होना। द्रव्यवाचक संज्ञा खाने पीने या मापने तौलने की वस्तु। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं पांचों संज्ञाओं के, जैसे जातिवाचक संज्ञा घोड़ा, नदी, पर्वत, लड़का आदि। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा चेतक, गंगा, हिमालय, राम। तीसरा भाववाचक संज्ञा उदाहरण अच्छाई, सुंदरता, मित्रता इत्यादि। चौथा समूहवाचक संज्ञा कक्षा, गुच्छा, भीड़, परिवार इत्यादि। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा पत्थर, बालू, गेहूं, चावल इत्यादि। आइए उदाहरण द्वारा आज हम संज्ञा का अभ्यास करेंगे। पहला उदाहरण, नौशेखा फारस देश का बादशाह था। नौशेखा और देश। दुकानदार को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य, मेरा स्वेटर ऊन का बना है, ऊन। रेखांकित शब्द को हमें पहचानना है कि वह कौन सी संज्ञा है। चौथा, हमें रोज दूध पीना चाहिए, दूध। हमारी सेना सीमा पर पहरा दे रही है, सेना। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा, नदी। नेहा को मैंने एक पुष्पगुच्छ दिया, नेहा, पुष्पगुच्छ। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय, पर्वत। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ताजमहल, सुंदरता। कोयल की बोली में मिठास है, कोयल, मिठास। हमें जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, जीव जंतु। मैंने विद्यालय जाने के लिए किताबें रखी, विद्यालय, किताबें। रुई और ऊन से कपड़े बनते हैं, रुई और ऊन। भीड़ तितर बितर हो गई, भीड़। चींटियां परिवार में रहती है, परिवार। सोना चांदी कीमती धातुएं हैं, सोना और चांदी। रेखांकित शब्दों को हमें पहचानना है कि वो कौन सी संज्ञा के प्रकार है। आइए हम हमारी अगली स्लाइड में इसके उत्तर भी देख लेते हैं। ये है हमारे उत्तर। नौशेखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नौशेखा विशेष नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। देश जातिवाचक संज्ञा, विशेष नाम नहीं है। दूसरा आश्चर्य भाववाचक संज्ञा। तीसरा ऊन द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा दूध द्रव्यवाचक संज्ञा।
हमने द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था, खाने पीने की चीजें, नापने तौलने की चीजें। पांचवा सेना, समूहवाचक संज्ञा, एक से अधिक का होना समूहवाचक संज्ञा होता है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष नाम है, गंगा विशेष नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी जातिवाचक संज्ञा, विशेष नाम नहीं है। सातवा नेहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि यह विशेष नाम है। पुष्पगुच्छ, समूहवाचक संज्ञा, एक से अधिक का होना समूहवाचक संज्ञा होता है। आठवा हिमालय, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत जातिवाचक संज्ञा। नौ ताजमहल, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुंदरता भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। दसवा कोयल, जातिवाचक संज्ञा, विशेष नाम नहीं है। मिठास भाववाचक संज्ञा। जीव जंतु जातिवाचक संज्ञा। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा, विशेष नाम नहीं है। किताबें जातिवाचक संज्ञा, इसका भी कोई विशेष नाम नहीं है। रुई और उन द्रव्यवाचक संज्ञा। भीड़ समूहवाचक संज्ञा, भीड़ एक से नहीं बनती है, एक से अधिक होते हैं इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। परिवार समूहवाचक संज्ञा, परिवार में एक से अधिक होते हैं इसलिए यह भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सोना और चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों इस तरह से कुछ उदाहरण द्वारा हमने संज्ञा का अभ्यास किया। आप भी इसे अपनी नोटबुक में लिखकर इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।